दिल्ली तो था, भर गया होगा। भैया भैया, ये थोड़ा जरूरी काम से गेम खेलना था, आपका मोबाइल मिलेगा क्या? नहीं नहीं बेटा, मोबाइल नहीं है। दो मिनट के लिए दे दो, मैं 20 मिनट में खेल के वापस कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, बच्चे मोबाइल से नहीं खेलते, बच्चे नहीं खेलते। अरे भैया ऐसे क्यों करते हो, दे दो ना भैया। तो आज इस चीज के साथ हम करने वाले हिमांशु के साथ मजाक, देखते हैं कैसा उचकेगा। मतलब बाय बाय टाटा गुड बाय। चिराग लेकर ढूंढो या मोमबत्ती लेकर, अगर इसके जैसा कोई मिल जाए तो वहीं जला देना। एक सिमरन नाम की लड़की रोज मंदिर जाके प्रार्थना करती थी कि उसको हैंडसम बॉयफ्रेंड मिले, ओ सॉरी पति। और एक तरफ थे हमारे भोले भाले रजत, जो कि चंपू थे, भोले भाले थे, गवर्नमेंट जॉब थी, इसीलिए उनकी सिमरन से शादी हो जाती है। तभी एक दिन सिमरन को मार्केट में कुछ ऐसा दिखता है कि अपनी आंखों पे वो भरोसा नहीं कर पाती। मूंछ कटवा के खुद को क्या स्टार्ट समझ रहा है? अभी भी वैसे ही लग रहा है। चंपू 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 चंपू, मुझे हटाने से सिर्फ मूवीज में लोग उल्लू बन सकते हैं, असली जिंदगी में नहीं। सतर्क रहें, सावधान रहें। करने दे फिर शादी उसे, करके मरने दे। उसके शादी करने से मेरे फीलिंग्स चेंज हो जाएंगे क्या? कि वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता था तो किसी को उस पर भरोसा नहीं था, पर एक दिन उसने वो कर दिखाया। फिर से गरीब, फिर से भिखारी, भिखारी फिर से गरीब। क्योंकि बिना पढ़े लिखे बसों का अंबार सिर्फ हीरा ठाकुर का लगता है सूर्यवंशी में, असली जिंदगी में नहीं। है प्यार की, माथे की लकीरों में भी है विक्की। सच में एक दूसरे के लिए ही बने थे आप दोनों। आइडिया तो अच्छा है लड़की प्रपोज करने का, ये तो ट्राई करना पड़ेगा। मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ कि जिसने फरवरी से 30 और 31 हटाया उसने 14 क्यों नहीं हटाया? नहीं 14 भी हटा देता, हम सिंगल लोगों की फीलिंग नहीं है क्या? और जितने भी लोग चाहते ना 14 फरवरी हट जाए, लाइक करो वीडियो को जल्दी से, हम बाकी करते हैं कुछ। ब्रेकअप इतना ज्यादा दर्द नहीं देता होगा जितना दर्द तब होता है जब कोई दोस्त बोल दे कि मैंने थोड़ा ना बोला था मेरे लिए कुछ करने को। इस वीडियो को सिर्फ वही लोग लाइक करना जो इंसान नहीं है नॉर्मल, जो कि लेजेंड है, जिनको एग्जाम पे एग्जाम की टेंशन कम होती है और ये टेंशन ज्यादा होती है कि एग्जाम की टेंशन क्यों नहीं हो रही। और भाई साहब वो लोग पास भी हो जाते, कैसे कर रहे हो तुम लोग ये? दौलत नहीं है, शोहरत वो भी नहीं है, दो चार निकम्मे दोस्त हैं उनको भी फरवरी ने उलझा दिया। नहीं वो इतने घटिया लोग हैं, मैं उनको अपना टूटा हुआ एयरफोन ना दूं, ना जाने किस भोले इंसान ने उनको अपना दिल दे दिया। पछताओगे तुम बाद में, मैं बता रहा हूं अभी भी टाइम है। मैंने एक वीडियो में बोला कि इस वीडियो को सिर्फ सिंगल लोग लाइक करेंगे, भाई साहब 1.5 मिलियन लाइक है उस वीडियो पे। अगर मैं बोल देता कि सारे सिंगल लोग मेरे को फॉलो कर लो तो मेरी आईडी को मुझे सिंगल जनता पार्टी बनाना पड़ता। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, अगर सारे सिंगल लोग मेरी आईडी को फॉलो कर लेंगे तो हम हमारी आईडी का नाम चेंज करके सिंगल जनता पार्टी रख देंगे। जय सिंगल जनता पार्टी।
डियर मित्रों और मित्रानियों, अगर आप सिंगल हैं तो ये ना सोचें कि आपको गुलाब नहीं मिल रहा है। गुलाब वो बाबू छोना कुच्चू पुच्चू लेम थपेड़ा लोगों को भी नहीं मिल रहा है। वो भी आपस में ये बोल के खुश हो जाते हैं कि तुम तो खुद गुलाब जैसी हो, तुम्हें क्या गुलाब दूं, 50 रुपए बचा लो है चिंदी। और बात रही गुलाब डे की, तो गुलाब डे ना सही, गुलाब जामुन खा के गुलाब जामुन डे हम भी मनाएंगे। दुनिया में 10 दोस्त मिल जाएंगे, पर वो जो एक मदद करने से पहले 4 गालियां सुनाता है ना, वो बेस्ट होता है। पेपर की रोटी, नोट्स का अचार, बुक्स की चटनी, क्वेश्चंस की बहार, टीचर की दुश्मनी, दोस्तों का प्यार, मुबारक हो आपको एग्जाम्स का त्योहार। टीडिंग चाय बनाना प्लीज। नहीं, ये कैसा मुंह था, ऐसे चाय मांगी जाती है? और ऐसे चाय मांगने से अगर मिल जाती है तो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। मम्मी चाय दे दो। दोबारा ऐसे चाय मत मांगना कभी अपने घर पे। किसी लड़के के पास अगर बियर्ड है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, काम चल जाएगा फिर भी। पर अगर किसी लड़के के पास मैनर्स नहीं है, नहीं दीदी काम नहीं चलेगा फिर। जिंदगी के इस सफर में साथी कम और स्वार्थी ज्यादा मिलेंगे, तो बच के रहना। भाई लोग कौन कौन से आते हैं? 7 फेब से 14 फेब तक लॉकडाउन रहे, वही इस वीडियो को लाइक करना। रुको रुको, डिंपल चाहिए 2 सेकंड में। देखो यहाँ पे एक अंगूठा रखना, एक उंगली यहाँ पे रखना, और फिर अंगूठे को धीरे से हटाना, और फिर स्माइल करना। अरे कितनी प्यारी स्माइल, ऐसे ही अच्छे लग रहे हो, क्यों चाहिए डिंपल? याद नहीं करोगे तो करवाएंगे, रूठ जाओगे तो मनाएंगे, उदास हो जाओगे तो हंसाएंगे। तुम मानो या ना मानो हम तुम्हारे दोस्त हैं, उल्टी हरकत करोगे तो जूते भी हम ही पड़वाएंगे। गौर फरमाइएगा, माई फ्रेंड यू आर लाइक माई पिटारा, इन विच आई कैन स्टोर माई प्रॉब्लम सारा का सारा, वेन लाइफ बिकम खटारा देन यू आर माई ग्रेटेस्ट सहारा, समझे ना मेरे फटीचर यारा। दुनिया में 10 दोस्त मिल जाएंगे, पर वो जो एक मदद करने से पहले 4 गालियां सुनाता है ना, वो बेस्ट होता है। पता नहीं क्यों मुझे इस बात से डर लग रहा है कि सांता क्लॉस सीमावारी का गिफ्ट लाना ना भूल जाए, क्योंकि वो ये तो जानते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ, पर शायद वो हीमावारी के बारे में नहीं जानते। सांता क्लॉस अगर हीमावारी का गिफ्ट लाना भूल गए तो? पहले आते हैं पुराने जमाने के लोग जो कबूतर द्वारा चिट्ठी भेज भेज के बातें करते थे, फिर आते हैं नॉर्मल लोग जो मैसेजिंग पे नॉर्मली चैटिंग में बातें कर लेते हैं, फिर आते हैं निब्बा निब्बी। नहीं भाई साहब, ये लोग मैसेजिंग पे कभी बात नहीं करते, ये स्टेटस डालते हैं, निब्बा उधर से स्टेटस डालेगा, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बी, सॉरी प्लीज मान जाओ ना मेरी निब्बी, फिर उधर से निब्बी डालेगी, अब नहीं डालूंगी कबूतर को दाना, तू जा अपनी नई माशूका के पास जाना। ए स्टेटस पे मत बात किया करो, नॉर्मल मैसेज में कर लिया करो, हैं निब्बा निबड़ी हो सुधर जाओ। फॉरेन तो कभी गया नहीं हूं मैं, पर इंडिया के लोगों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि चलती गाड़ी के बीच में आ जाएंगे और ऐसे करके हाथ दिखा देंगे। नहीं भाई साहब, वो गाड़ी हाथ से नहीं रुकती, उसके लिए ब्रेक लगाना पड़ता है, एक आध दिन चल के निकल जाएगी, जब समझ आएगा तो मैं हाथ दिखाने से गाड़ी रुकती है क्या। लोगों के पास बेस्ट फ्रेंड होता है, और मेरे पास वो एक अजीब सा क्रिएचर है जो कि नहीं दिखता तो इतना इनोसेंट है बिल्ली जैसा, और जब मुंह खुलता है तो कुत्ते जैसे भौंकने लगते हैं। नहीं आप तुम यहाँ पे कमेंट मत कर देना कि नहीं हम कुत्ते नहीं है, बिल्ली भी नहीं है, इंसान है, इंसान तो नहीं हो तुम, जो भी हो अजीब से क्रिएचर, टैग करो अपने अजीब क्रिएचर को। Toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. आपको पता है एक सिगरेट एक आदमी के लंग्स को और एक लड़की के कैरेक्टर को खराब कर सकती है। अब मुझे ये नहीं पता कि या तो लड़कियां बिना लंग्स के पैदा होती हैं या लड़के बिना कैरेक्टर के। बताओ शादी करोगी मेरे दोस्त से, उसकी चाय की टपरी और तुम्हें तो वो पार्ले जी बिस्कुट फ्री में दे देगा। नहीं ये कैसे ट्रेंड चलते रहता है, शादी कर लो क्योंकि चाय बनानी आती है? नहीं है इतना बड़ा भी टैलेंट नहीं है कि शादी कर ली जाए उसके लिए, चाय बनानी आती है। मेरे प्यारे दोस्त, तुझे अगर कभी भी जिंदगी में पैसों की जरूरत लगे या पैसों की कमी लगे तो बिना कोई सेकंड थॉट लाए मेरे पास आना, हम दोनों साथ में चलेंगे किसी और से मांगने। मैं कौन सा राइस हूँ, मैं गरीब ही ठीक हूँ। मेरे दोस्त जिंदगी में अगर कभी कुछ करने का मन करके कुछ ना कुछ करना है तो थोड़ी सी शर्म कर लेना। नहीं ऐसी शक्ल मेरी होती ना, मुंह पे सब्जियों का झोला बांध के घूमता मैं, तो थोड़ी गर्व की बात है कि तुम ऐसे घूम पा रहे हो, पर शर्म करो, शर्म तो कर लो।
मेरे प्यारे दोस्त, मेरे कलेजे के छिलके, हम दोनों में चाहे कितना भी झगड़ा हो, मैं तुमसे कितना ही नाराज हूँ, जिंदगी में अगर कभी तुम कहीं फंसो, तुम्हारा किसी से ज्यादा बड़ा झगड़ा हो जाए तो मुझे जरूर बुला लेना, मेरे को क्या है लड़ाई देखने में बड़ा मजा आता है। अच्छा चलता हूँ, मतलब पढ़े तो याद कर लेना, याद ही करना, कॉल मत करना, अब नहीं फंसने वाले हैं। बुरे से बुरा वक्त गुजर जाएगा, सिचुएशन कितनी ही खराब हो, हम दोनों मिलके सब संभाल लेंगे, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना और फुली चार्ज रहना, मेरे प्यारे मोबाइल फोन। इंडिया में माँ बाप अपने बच्चों की इतनी ज्यादा इज्जत करते ना कि कभी किसी चीज के लिए मुंह पे मना नहीं करते। उनसे अगर आप जाके पूछोगे ना कि पापा मैं एक काम कर लूं, तो पापा बोलेंगे जा अपनी मम्मी से जाके पूछ, और मम्मी से जाके पूछोगे ना तो मम्मी बोलेंगे जा अपने पापा से जाके पूछ, और जब दोनों साथ में मिल जाएंगे ना तो फाइनली जब ये लूप खत्म हो जाएगा तब आप अपनी मम्मी से पूछेंगे अब तो बता दो मम्मी, तो मम्मी बोलेंगी जो तेरा मन हो वो कर ले, तो वो करना नहीं होता है। बहनें होती है ना, बहनों के पास कोई काम नहीं होता, उनको बस लड़ना होता है, रिमोट के लिए लड़ लो, इसके लिए लड़ लो, आप पानी मंगा के देख लो। अरे भैया 6 साल पुरानी कथा याद दिलाएगी, क्यों रे तूने तो मुझे नहीं ला के दिया था पानी, और लड़ाई करो तो ले दे के पापा को याद दिला देती है, अरे पापा से कौन बोलता है हर बात में। पर जो भी हो, बात शेयर करने के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट कीपर अगर कोई होता है तो वो अपनी बहन होती है, शादी हो जाएगी। साथ रिलेशनशिप में वो एक फोटोग्राफर है, और वो जब तुम्हारी फोटो क्लिक करे तो वो 1, 2, 3 की जगह बोले आई लव यू, कि तुम फोटो में जेन्युइनली स्माइल कर सको। अब स्वाइप अप कर दो, क्योंकि अपन तो सिंगल है अपन। इंडिया में निम्न प्रकार की मम्मियां पाई जाती हैं। एक होती है डराने वाली, आने दे तेरे पापा को, बताती हूँ तेरी हरकतें। दूसरी होती है भ्रमित मम्मियां, जो बोलती हैं कि मैं इंसान हूँ या मशीन, दिन भर काम करती रहूंगी। तीसरी होती है स्वार्थी मम्मियां, एक पराठा तेरे लिए दिया था, तेरे दोस्तों के लिए, सारे उनको ही खिला दे। और चौथी होती है हम सबकी मम्मियां, आग लगा दूंगी इस मोबाइल को। इंस्टाग्राम, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे लोग अपना बर्थडे आने के 2 दिन पहले लोगों को मैसेज कर करके बोलते हैं कि दोस्त मेरा बर्थडे है, मेरे लिए स्टेटस डाल देना, और फिर आते हैं वो महान लोग जो अपनी आईडी के आगे ऑफिशियल लिख के रखते हैं। नहीं, आपको जान के हैरत होगी कि इंस्टाग्राम पे ऑफिशियली ऑफिशियल अकाउंट इतने नहीं है जितने बेवजह के ऑफिशियल अकाउंट है, जितने बेवजह में अपनी आईडी पे ऑफिशियल लिख के रखा हुआ है। और तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जो अपने बायो में लिख के रखते हैं फॉलो और फॉलो, ये किसी को फॉलो करते हैं वो सामने वाले इनको फॉलो बैक करता है, दे आर डिजिटल मैनर्स, फिर ये लोग उसको अनफॉलो कर देते हैं। ये क्या सोचते हैं किसी को क्या ही पता चलेगा, सब पता चल जाता है। और फिर सबसे महान लोग जो अपने स्टेटस पे रोज खाने की चीज डालेंगे, नहीं अच्छी चीज बने तो ठीक है जलाओ तुम हमें, इट्स ओके, भिंडी करेला गिलकी ये कौन डालता है, नहीं मतलब गिलकी डाल के मुंह भी कड़वा करवा दो हमारा। बाय द वे मेरी इंस्टाग्राम आईडी। जिंदगी में आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, पर स्कूल के दिन आप कभी नहीं भूल सकते, वो टीचरों के पढ़ाने के दौरान ही पीछे बैठ के लंच करना, टीचरों को उन अजीब अजीब नामों से बुलाना जो सिर्फ बच्चे ही जानते थे। कुछ भी कर लो, स्कूल के दिन अब वो लौट के नहीं आ सकते। हाँ जाने लोगों को इतने अच्छे अच्छे दोस्त कहाँ से मिल जाते हैं, जो बोलते हैं संभल के जाना, अच्छे से जाना, वो फिर घर पहुंच के फोन करते पहुंच गया ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, यहाँ मेरे दोस्त बोलते हैं कि देखना मर मत जाना रास्ते में, कॉल करके कहते जिंदा है ना। घटिया दोस्त, तुम्हें भी मिले तो टैग करो ऐसे लोगों को। मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पबजी खेलने से टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए आज से बंद न्यूज़पेपर पढ़ना, साला पबजी की बुराई करता है। आपको पता है मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को इग्नोर किया सिर्फ एक इंसान के लिए, और अब मैं सिंगल हूँ, तेरी कसम, क्योंकि वो एक इंसान मैं था, अकेले रहो खुश रहो, मैंने खुद के लिए सबको इग्नोर किया। जैसे टॉम जेरी के बिना अधूरा है, जैसे ऐश पिकाचू के बिना अधूरा है, जैसे नोबिता डोरेमोन के बिना अधूरा है, जैसे हिमावारी शिनचैन के बिना अधूरी है, वैसे ही मैं इन सब कार्टून के बिना अधूरा हूँ। तूने क्या सोचा तेरे बिना अधूरा हूँ, चिंपैंजी सी शकल के, वैसे तू भी कार्टून ही है। आपको पता है कोरोना वायरस का जन्म हुआ चाइना में, इटली में वह बड़ा हुआ, और स्पेन में खेला कूदा, और अमेरिका में वो जवान हो चुका है, और उसकी मौत मौत उसकी इंडिया में होगी। कल मैं एक ऐड देख रहा था, उसमें बच्चे आइसक्रीम चुरा के खा रहे थे फ्रिज से, इनके फ्रिज में आइसक्रीम होती है, भाई साहब मुझे कोई बताओ मेरे फ्रिज में क्या होता है, पानी, वो भी पानी की बोतलों में नहीं होता है, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में होता है, पहले कोल्ड ड्रिंक पी जाती है फिर उसमें पानी भरा जाता है, और जो थोड़ी सी जगह बची होती है उसमें रखा होता है दूध, दूध हम लोग रखते हैं भगोने में, तुम लोग उसको गांजा टकला जो भी बोलते होगे, गंजा बंजा मुझे नहीं पता, हम उसको भगोना बोलते हैं, और जो गेट का साइड रहता है उसमें रहता है नींबू और धनिया,
और बाकी थोड़ी सी बर्फ रहती है ऊपर पापा लोग पीते हैं, सबके घर होता है वो। और उसके अलावा जो थोड़ा बहुत बचता है उसमें कुछ भी नहीं होता, बस इतना ही होता है, खाने पीने का तो कुछ होता ही नहीं है। और जैसे ये लोग आइसक्रीम चुरा के खा रहे हैं, मैं पहले बोनवीटा और हॉर्लिक्स वगैरह रखे थे तो उसके फक्के मारता था। फक्के तो पता है? नहीं पता होगा, बोट दा फक जरूर पता होगा। फक्के मतलब ऐसे हाथ लेके फक्कों से खाते हैं तो वो थोड़ा सा हाथ में लगा रह जाता है, थोड़ा नीचे गिर जाता है और थोड़ा सा अंदर भी चला जाता है। तो जो हाथ का रहता है उसको चाटना पड़ता है, नीचे को उठा के फेंकना पड़ता है। उसको नहीं चाटते, उसको भी चाट लेते हो क्या? नहीं, उसको नहीं चाटते। और बस मजे थे, फक्के मारते थे, अब तो मिलता ही नहीं है। बचपन में मजे थे, दे फक्के। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे कलेजे के छिलके, मैंने तुझे कभी भी अपनी औलाद से कम नहीं समझा, कभी तुझे प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी, पर तूने मुझे फ्रेंडशिप डे विश नहीं किया। चल इतना तो चलता है, पर तूने अपने बाप को फादर्स डे भी विश नहीं किया। लानत है ऐसी औलाद पे यार। थू इंडिया में मम्मियों को सब कुछ पता होता है, सब कुछ, पर फिर भी एक चीज ऐसी होती है जो वो हमसे रोज पूछती है, खाने में क्या बनाऊं। हंसने की बात नहीं है, गलती तुम्हारी है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, गिलकी नहीं खाना, करेला नहीं खाना। पर एक मिनट, करेला कौन खाता है? यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, कैरी मिनाटी ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, यूट्यूब खुश है। टिकटॉक पे कॉन्टेंट क्रिएटर्स की वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पे टिकटॉक भी खुश है। इंस्टाग्राम वालों को मीम मिल गए, वो भी खुश है। बचा पबजी, ए उन लोगों को वैसे भी किसी से फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे भी खुशी थे। टिकटॉक पे आधी जनता सिर्फ ये बोलती रह गई, और फिर एक यूट्यूबर आया और फिर उसने बोला, साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। आपको पता है, भाई बहन के रिश्ते में बहुत प्यार होता है और बहुत झगड़ा भी होता है, पर ये रिश्ता अधूरा है अगर कभी आपने आपस में ये नहीं बोला कि तेरे को तो कचरे के डब्बे से उठा के लाए। फूलों का तारों का सबका कहना है। मित्रों, जब तक कर्फ्यू लगा है चुपचाप अपने घर में बैठे रहें, बेवजह की अफवाहें ना फैलाएं। कर्फ्यू के साथ साथ अगर इंटरनेट भी बंद हो गया तो घर में बैठ के क्या मच्छर मारोगे? एक तो वैसे ही ऐसा लग रहा दुनिया खत्म होने वाली है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, एक नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तड़पता छोड़ आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये सर झुके सिर्फ उनकी शहादत में जो वीर शहीद हुए हमारी हिफाजत में। भारतीय वीर शहीद जवानों को शत शत नमन। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे दिल के झुंझुने, मैं तुझसे ये बात बहुत टाइम से बोलना चाह रहा था, पर चल आज बोल ही देता हूँ। पता है तेरे पास बहुत दिमाग है, चलता नहीं है वो अलग बात है, तेरी बहुत इज्जत है दुनिया में, कोई करता नहीं है वो अलग बात है, तू बहुत स्मार्ट भी है, कोई मानता नहीं है वो अलग बात है, कितनी बेइज्जती हो रही है तेरी फिर भी सुन रहा है, क्या बात है। आपको पता है, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो दिन भर चाहे कहीं पे भी कुछ भी काम करें, पर जब वो रात में अकेले होते हैं अपनी रजाई में तो वो लोग रोते हैं। ऐसे लोगों से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कभी भी अगर रोना है तो अपने माँ बाप के सामने जाके रोना, ताकि उनको भी तो पता लगे कि जिसकी खुशी के लिए वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, वो तो किसी और नालायक इंसान के लिए रो रहा है ना। मेरे प्यारे कलेजे के छिलके, तू सोचता होगा मैं तेरी हमेशा बेइज्जती करता रहता हूँ, कोई इज्जत नहीं रही तेरी, दोस्त है तो क्या कुछ भी बोलेगा। तो मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ, तुझे एक बात पता है कि रिलेशनशिप में जब इंसान को जाना होता है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाने, तो वो 10 चीज़ें देखता है, हाइट, हेल्थ, मोटा पतला, छोटा नाटा, लंबा टिंगा, सब देखता है। पर दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होती है जहाँ पे कुछ नहीं देखा जाता, इंसान पतला है, छोटा है, मोटा है, नाटा है, जैसा भी है, दिमाग भी नहीं है दोस्त तेरे पास, फिर भी तू मेरा दोस्त है, ये असली कीमत होती है दोस्ती की। झेल रहा हूँ ना मैं तुझे फिर भी। मुझे नहीं पता है सुनने की किसको ज़रूरत है, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, टेंथ हो, ट्वेल्थ हो, कॉलेज हो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, टेंशन लेने से तुम पास नहीं हो जाओगे। और बढ़िया मोबाइल चलाओ, मोबाइल तो तुम वैसे भी चला रहे हो ना, पढ़ाई तो अपन से हो नहीं रही, जाके पढ़ाई कर लो, नहीं तो फेल हो जाओगे सही में, मोबाइल चलाएंगे। लोगों के मोबाइल में रात में मैसेज आता होगा, गुड नाइट मेरी अदरक पुदीना धनिया लहसुन मेरी बेटी मेरी बेटा, और मेरे पास You have consumed your 100% of your daily quota. Single pasenge, if a mingle like a bandir ko taaj magal kateri. प्यार की राहों में धोखे मिले हैं, दोस्त हमें सारे टोपे मिले हैं, इश्क में हो जाती है कई बार धोखेबाजी, पर दोस्त वफादार होते हैं, क्योंकि दोस्त वो तो कुत्ते होते हैं। तुम कुत्ते ही हो, टेंशन मत लो, है ना, ज्यादा दिमाग में नहीं लेने का।
इंडिया में माँ बाप अपने बच्चों की इतनी ज्यादा इज्जत करते ना कि कभी किसी चीज के लिए मुंह पे मना नहीं करते। उनसे अगर आप जाके पूछोगे ना कि पापा मैं एक काम कर लूँ, तो पापा बोलेंगे जा अपनी मम्मी से जाके पूछ, और मम्मी से जाके पूछोगे ना तो मम्मी बोलेंगे जा अपने पापा से जाके पूछ, और जब दोनों साथ में मिल जाएंगे ना तो फाइनली जब ये लूप खत्म हो जाएगा तब आप अपनी मम्मी से पूछेंगे अब तो बता दो मम्मी, तो मम्मी बोलेंगी जो तेरा मन हो वो कर ले, और वो करना नहीं होता है। ना जाने लोगों को इतने अच्छे अच्छे दोस्त कहाँ से मिल जाते हैं जो बोलते हैं संभल के जाना, अच्छे से जाना, और फिर घर पहुंच के फोन करते पहुंच गया ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। यहाँ मेरे दोस्त बोलते हैं कि देखना मर मत जाना रास्ते में, कॉल करके कहते जिंदा है ना। घटिया दोस्त, तुम्हें भी मिले तो टैग करो ऐसे लोगों को। ना जाने कहाँ से लोगों को ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो उनकी तकलीफें सुनते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं। मैंने तो ऐसे बागड़ बिल्ले पाले हुए, उनको अपनी तकलीफ बताओ साले हंसते हो रहे हो और मुझे और जोक सुना के हंसा देते हैं। तकलीफ भूल जाता आदमी, हंसता जाता है। इंसान की जिंदगी में चाहे कितनी ही दिक्कतें हो, कितनी ही परेशानी हो, पर उसको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक ना एक दिन जरूर आता है, क्योंकि दो दिन एक साथ नहीं आते। 1 बटर स्कॉच एंड 2 वेनिला प्लीज। भैया एक 5 वाली दे दो, 2 10 वाली दे दो, और एक ये लड़की खा रही है वो वाली दे दो। दोस्तों बहुत ही दुख होता है देखते हुए जिस तरह से हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे खो रहे हैं। कल ही मैंने 2 बच्चों को देखा, उन्होंने अपने आइसक्रीम के ढक्कन को चाटे बिना ही फेंक दिया। बहुत फर्क होता है चैटिंग करने और रिप्लाई देने में, क्योंकि बात तो सिर्फ लगाव और एहसास की होती है, वरना मैसेज वो तो कंपनी भी करती है। बचपन में टाइम कम रहता था जब दोस्त नहीं थे, अब दोस्त बहुत सारे पर नालायकों के पास टाइम नहीं। भैया कहाँ बिजी रहते हो, मेरा फोन आता है तुम्हें बम जैसा लगता है, उठा लोगे फोन फट जाएगा तुम्हारा, और चलो हम तो बिजी रहते हैं हमारे पास टाइम नहीं रहता फोन करने का, तुम तो नल्ले हो, नालायक लोगो फोन कर लोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा है। व्हाट्सएप ने हमें एक बहुत ही बेहतरीन फीचर दिया कि आप किसी को मैसेज सेंड करके वो मैसेज डिलीट कर सकते हैं और वो सामने वाले को भी नहीं दिखेगा, पर डिलीट इसलिए करते हैं ताकि सामने वाले को ना दिखे। अब अगर इसमें उसको ये दिख जाएगा कि हमने मैसेज डिलीट किया तो वो तो हमारी जान खाएगा ना कि क्या मैसेज था क्या मैसेज था, और सामने वाले में भी इतना दिमाग नहीं, अगर बताना होता तो डिलीट थोड़ा ना किया होता सामने वाले ने। कोई सेंस नहीं बनता इन सब बातों का। इंडियन पेरेंट्स का लॉजिक बहुत सिंपल होता है, अगर घर में कोई मोबाइल बिगड़ गया या खराब हो गया तो इसमें बच्चे की गलती है, और अगर बच्चा बिगड़ गया या खराब हो गया तो इसमें मोबाइल की गलती है। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो मैं 2 मिनट में ढूंढ लूं यूं चुटकियों में, बस प्रॉब्लम दूसरों की होनी चाहिए, खुद की प्रॉब्लम है, मेरा दिमाग नहीं चलता, अपनी में नहीं चलता। बेचारे आशिक लोग, बाहर इतनी धूप हो रही है पर अपने महबूब को खुश करने के चक्कर में धूप में घूम रहे होंगे, और एक तरफ हमें सिंगल लोग सुबह से पलंग पे पड़े थे, अभी कुर्सी पे बैठे, अभी वापिस जाके पलंग पे पड़ जाएंगे, मन होगा तो नहाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं नहाएंगे, अपनी सिंगल जिंदगी पर फुल इंजॉय करते हैं। और अगर आप भी इंजॉय कर रहे हो तो तुरंत लाइक कर दो वीडियो को। ये इंडिया है, यहाँ पे अगर लड़की भोली होती है ना तो उसे गाय कहा जाता है, वहीं अगर लड़का थोड़ा सा भोला हो जाता है ना तो उसको गधा कह देते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। पड़ोस वाली आंटी 1.5 घंटे से मेरे दरवाजे पे खड़ी होकर मम्मी से बातें कर रही थी, बैठी इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें देर हो रही थी। बुरे से बुरा वक्त गुजर जाएगा, सिचुएशन कितनी ही खराब हो हम दोनों मिलके सब संभाल लेंगे, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना और फुली चार्ज रहना मेरे प्यारे मोबाइल फोन। तुम्हें पता है दारू सिगरेट हुक्का तंबाकू गुटखा इनमें नशा नहीं होता, असली नशा होता है मोबाइल में। मतलब सोचो बंदा मुंडी नीचे करके अकेला बैठ के मुस्कुरा रहा है, गजब। नहीं नहीं मुंडी ऊपर मत करो, कोई बात नहीं। जिंदगी उस मोड़ पे आ गई है कि पहले तो सॉरी बोलना बड़ी बात लगती थी, पर अब तो मैं यूं ही सॉरी बोल देता हूँ। ना 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 ना, इसलिए नहीं कि मेरी गलती है, इसलिए क्योंकि बहस करने में मुझे आलस आती है, बहुत आलस आती है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे कलेजे के छिलके, हम दोनों में चाहे कितना भी झगड़ा हो, मैं तुमसे कितना ही नाराज हूँ, जिंदगी में अगर कभी तुम कहीं फंसो, तुम्हारा किसी से ज्यादा बड़ा झगड़ा हो जाए तो मुझे जरूर बुला लेना, मेरे को क्या है लड़ाई देखने में बड़ा मजा आता है। इंडिया में जब कभी मम्मी पापा की लड़ाई हो जाती है ना तो उनकी आपस में बातें जरूर बंद हो जाती है, पर कम्युनिकेशन बंद नहीं होती, बस बच्चों को कबूतर बना दिया जाता है। ए चिंकी, पूछ तेरे पापा से खाना खा लिया, बता दे झमलू खा लिया मैंने खाना। मैं जिंदगी के उस मोड़ पे हूँ जहाँ समझ ही नहीं आ रहा जिंदगी मेरे मजे ले रही है या मैं जिंदगी के, पर कुछ भी कहो मजा बहुत आ रहा है। डियर बेस्ट फ्रेंड, तेरे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी राय है, कहीं अगर तुझे रोड पे कुत्ता दिखे तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखना, क्योंकि मैंने सुना है हीरे को हीरा काटता है, लोहे को लोहा काटता है, तुझे कहीं कुत्ता ना काट ले। मुझे तो साला एक बात समझ नहीं आती है, कोरोना मार्च के एंड में हर साल करने क्या आता है, नहीं मतलब एग्जाम देने आ रहा है, इनकम टैक्स भरने आ रहा है, या होली खेलने आ रहा है हमारे साथ।
मेरे लिए एक चाय बनाना प्लीज। नहीं, ये कैसा मुंह था, ऐसे चाय मांगी जाती है और ऐसे चाय मांगने से अगर मिल जाती है तो मैं भी ट्राई करके देखता। मम्मी चाय दे दो। दोबारा ऐसे चाय मत मांगना कभी अपने घर पे। मेरे प्यारे दोस्त, तुझे अगर कभी भी जिंदगी में पैसों की जरूरत लगे या पैसों की कमी लगे तो बिना कोई सेकंड थॉट लाए मेरे पास आना, हम दोनों साथ में चलेंगे किसी और से मांगने। मैं कौन सा राइस हूँ, मैं गरीब ही ठीक हूँ। कभी भी प्यार और यार में चूज करने की बारी आए ना मेरे दोस्त, तो हमेशा यार को ही चूज करना, क्योंकि प्यार तो तुम्हारे पास है नहीं। तुम ठहरे नल्ले सिंगल लोग, प्यार चूज करेंगे। सुन, तू था, तू है और तू रहेगा। अरे अपने दोस्तों को तो सेंड नहीं कर दिया। मैं अपने टॉमी की बात कर रहा था। चलो वैसे भी कोई फर्क तो ना है दोनों में, वफादार है दोनों मेरे। आई लव यू कलेजे के छिलके। ऊपर से गिरा बम, फरवरी का महीना खत्म, जमीन से निकला आलू, लो हो गया मार्च चालू, चूहा निकला बिल से, हैप्पी होली दिल से। अब ऐसे ही फटे फटे घटिया मैसेजेस आपको व्हाट्सएप पे चिपकाए जाएंगे। मेरी विनती है, कृपया एक सिंपल हैप्पी होली बोल के भी काम चलाया जा सकता है। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद। होटल वोटल में आते ना तो सबको अपना अपना साबुन मिलता है, पर ये घटिया लोग दो साबुन से नहाते, शर्म नहीं आती तुम्हें? चिंदी चोर। हाँ, और ये भैया कह रहा है कि नकली आवाज है। शेर को क्या है, पंखे से टकराएगा क्या? अरे यार टाइम पे लिए। ये वीडियो सबके लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ वही लोग लाइक करें जिनके पास एक स्पेशल पावर है, चाहे वो जितना खाए, जितना उनका मन हो खाए, पर वो कभी भी मोटे नहीं होते। और अगर आप उनमें से एक हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारे एक आध दोस्त तो हो गई, क्योंकि सबके ग्रुप में एक ना एक बंदा ऐसा जरूर होता है, तो उसको शेयर कर देना। मेरा पांडा दोस्त बेचारा वजन कम करने के लिए एक हफ्ते से साइकिल से घूम रहा है, पर फिर भी उसका वजन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। अब उस गधे को कौन बताए कि साइकिल के पीछे बैठने से वजन कम नहीं होता, आगे बैठ के साइकिल चलानी पड़ती है आलसी। डियर मित्रों और मित्राणियों, अब हम उन सभी बालक बालिकाओं के लिए प्रार्थना करें जिनकी 10th और 12th की इस साल बोर्ड की एग्जाम है, ताकि वो सभी अच्छे मार्क्स से पास हो पाए। नहीं, और तुम जाके पढ़ाई मत करना, तुम यहाँ बैठ के मोबाइल चलाओ, हम तुम्हारे लिए यहाँ प्रार्थना करें, पढ़ाई करो जाके। लाइक करके जाना वीडियो। और घड़ी डिटर्जेंट से भी ज्यादा बदतर हो गई है जिंदगी। लोग इस्तेमाल तो करते हैं मगर विश्वास नहीं करते हैं। तुम लोग भी कम नहीं हो, है वीडियो तो देखते हो, फॉलो नहीं करते हैं। तो हम सुबह सुबह स्मार्ट पार्क आए थे, यहाँ पे सिर्फ स्मार्ट लोग ही घूमते, बेवकूफ लोगों के लिए तू का घूम रहा है, तुम्हारे लिए उधर खच्चर पार्क खोला है, वहाँ पे जाओ गधे वाले पार्क में, यहाँ मत आया करो, गधे आ जाते हैं। ना जाने कौन लोग है वो जो बोलते कि लड़कियाँ आलसी होती हैं। भाई मतलब सारे बाल पीछे बांधकर चार आगे लटका लेती हैं, ताकि उनको दिन भर पकड़ पकड़ के पीछे करते रहे। आलस नहीं होता भाई उनमें, बहुत एक्टिव है। फॉरेन तो कभी गया नहीं हूं मैं, पर इंडिया के लोगों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि चलती गाड़ी के बीच में आ जाएंगे और ऐसे करके हाथ दिखा देंगे। नहीं भाई साहब, वो गाड़ी हाथ से नहीं रुकती, उसके लिए ब्रेक लगाना पड़ता है। एक आध दिन चल के निकल जाएगी, जब समझ आएगा तो मैं हाथ दिखाने से गाड़ी रुकती है क्या? बताओ शादी करोगी मेरे दोस्त से, उसकी चाय की टपरी और तुम्हें तो वो पार्ले जी बिस्कुट फ्री में दे देगा। नहीं, ये कैसे ट्रेंड चलते रहते हैं, शादी कर लो क्योंकि चाय बनानी आती है। नहीं, ये इतना बड़ा भी टैलेंट नहीं है कि शादी कर ली जाए उसके लिए, चाय बनानी आती है। कहाँ बिजी थे, मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मेरे को रिप्लाई कैसे लेट दिया, व्हाट्सएप की डीपी कैसे गायब है, लास्ट सीन क्यों नहीं दिख रहा तुम्हारा, चलो आईडी पासवर्ड दो मुझे, चलो। इन सब फिक्रों से आजाद हूं मैं, सिंगल हूं मैं। मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है, और सुबह उठने के लिए रात में जल्दी सोना पड़ता है, रात में जल्दी नींद नहीं आती, उसके लिए मोबाइल उठाना पड़ता है, मोबाइल जब उठा लो तो चलाते चलाते 2 बज जाता है, पता ही नहीं चलता, और फिर 2 बजे जब सोते हैं तो सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, पर मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ। माँ की बातें और बाप की लातें, जितनी मिले लेते रहिए, और गरीब की हाय और दोस्त की राय कभी मत लेना, वो झवरझंडू आपको डुबा के छोड़ेगा। यार ऐसे नॉर्मली तो मुझे स्कूल की याद आती नहीं है, मतलब दोस्तों की आती है पर स्कूल की नहीं आती। स्कूल की याद आती है मुझे 26 जनवरी और 15 अगस्त पे, मतलब वो जो बूंदी के लड्डू मिलते थे ना भाई साहब, माना बेसन के नहीं मिलते थे, बूंदी के में ज्यादा मजा नहीं आता था, पर जब लड्डू मिलते थे ना, हम लोग दोस्तों में आपस में लड़के जरूर खाते थे। तो इसी बात पे हैप्पी रिपब्लिक डे, अपने दोस्तों को भेज दो और याद करो वो बूंदी के लड्डू वाले दिन। जब भी मैं हंसते हुए अपने मोबाइल की तरफ देखता हूँ तो अक्सर मेरे घर वालों को शक हो जाता है कि जरूर इसके बाबू सोना का मैसेज आया होगा। अब उनको कौन बताए कि सिंगल लोग चुटकुले पढ़कर ही खुश हो जाते हैं। हम सबके पास एक दोस्त ऐसा जरूर होता है
जिस पे भरोसा करके हमारे घर वाले हमें उसके साथ हमेशा भेज देते हैं कि ये इंसान सुधरा हुआ है, इसके साथ मेरी औलाद रहेगी तो सुधर ही जाएगी। पर उनको क्या पता, सबसे बड़ा कर्मकांडी वही दोस्त होता है। ये वीडियो सिर्फ वही लोग लाइक करें जिनके पास एक स्पेशल टैलेंट होता है, चाहे साल भर वो कभी भी ना पढ़े पर एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के वो पास हो जाते हैं, और उन बाजीगरों को बैक बेंचर्स कहा जाता है। हम दोस्ती निभाना जानते हैं, जख्म कितना भी गहरा हो दवा लगाना जानते हैं, अपने बाबू शोना के चक्कर में हमें इग्नोर करने की कोशिश न करना है दोस्त। हम गला दबाना भी जानते हैं और लाश छुपाना भी जानते हैं। मुझसे लॉयल्टी की बात न करना दुनिया वालों, मैंने दोस्ती भी कुत्तों से की हुई है, और ऐसे वैसे कुत्ते नहीं है। तुम सोच रहे हो जर्मन शेफर्ड या अच्छे जो क्यूट दिखते हैं कुत्ते वाले, नहीं, ये जो कुत्ते हैं इनकी शक्ल भी अच्छी नहीं है, बस ये कुत्ते हैं और वफादार हैं। टैग योर कुत्ताज। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे जिगर के छल्ले, तेरे लिए मैंने दिल से नहीं मैंने गुर्दे से तेरे लिए कुछ लाइनें लिखी थी, दिल से तो सिर्फ गालियां निकलती हैं। तू बहुत ग्रेट है, रसगुल्ले की प्लेट है, अंडे का ऑमलेट है, टैग करो तो रिप्लाई करने में थोड़ा सा लेट है, जलेबी की तरह स्ट्रेट है, पर जो भी हो मेरा फेवरेट है। चल अब ज़्यादा स्माइल मत कर, बहुत मनुष लग रहा हूँ खुदा कसम। इंडिया में कुल इतने सारे लोग आलसी हैं, और कुछ तो इतने आलसी हैं कि उन्होंने डिजिट भी नहीं पढ़ी। ना ना मुन्ना, अब मत पढ़ो, अब तुम्हारी गिनती उन आलसी लोगों में हो चुकी है। लोगों के होते होंगे इज्जतदार दोस्त, समझदार दोस्त, पर मेरे कमीने हैं, बेवकूफ हैं, पर मुझे वही पसंद है। दोस्त दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और एक होते हैं वो बोलते हैं मैं भी बर्बाद तू भी बर्बाद, जो होगा देखा जाएगा। टैग योर बर्बाद फ्रेंड्स। इंसान सिर्फ तीन सूरतों में सच बोलता है, जब वो बच्चा होता है, जब वो नशे में होता है, और जब वो गुस्सा होता है। बाकी सब मोह माया है।